हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। सोनीज कॉर्नर में आपका स्वागत है और मैं हूँ सोनी। फ्रेंड्स, आज हम बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट लेके आए हैं। हम सीढ़ी से नेकलेसेस कैसे बनाएं, वो आज हम सीखने वाले हैं। बहुत ही आर्टिस्टिक और एक्साइटिंग प्रोजेक्ट है और बहुत ही आर्टिस्टिक है। उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी मैं आपको बता देती हूँ। हमें सीढ़ी चाहिए होगी, मार्कर चाहिए होगा, नाइफ चाहिए होगा, कटर, सीज़र चाहिए होगी, हमें कैंडल चाहिए होगी, एक शार्प पिन चाहिए होगा कोई भी, और जंप रिंग्स चाहिए होंगे थोड़े से, और वैक्स क्रेयॉन्स चाहिए होंगे। नाउ लेट्स स्टार्ट द प्रोसीजर। देखिए फ्रेंड्स, हमें सबसे पहले सीढ़ी को लेना है और इसको साफ़ करना है। इसके ऊपर जो शाइनिंग पोर्शन है वो हमें निकालना है। इसको कटिंग करने के लिए तो मैंने आपको बताया था, इसको थोड़ी देर के लिए 15 से 20 मिनट फ्रिज में रखिए तो वो इजीली कट हो जाएगी। अभी इसको निकालने का प्रोसेस मैं आपको बताती हूँ। कटर लेके आप थोड़ा इसको स्क्रैच कीजिए, थोड़ा स्क्रैच करने के बाद आप टेप लीजिए। टेप लेने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से स्टिक करना है। ये देखिए, सीढ़ी के ऊपर अच्छे से स्टिक करना है और इसको, ये देखिए, ये सारा जो है शाइनिंग वाला पोर्शन हमारी टेप के ऊपर आ जाएगा। ऐसे करते हुए हमें पूरी सीढ़ी को साफ कर देना है। ये देखिए, ये कितना इजीली हमारी सीढ़ी जो है वो क्लियर होती जा रही है। ऐसे करके हमें अच्छे से सीढ़ी को साफ कर लेना है और उसके बाद रिमूवर से और डिटर्जेंट से इसको अच्छे से साफ़ कर लेना है। और उसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि इसको मार्क कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने सीढ़ी को साफ़ कर लिया है, इसमें थोड़ा थोड़ा रहने दिया है शाइनिंग वाला, क्योंकि हमें ये चाहिए है हमारे नेकलेस में, इसीलिए एकदम से क्लियर नहीं किया हमने। थोड़ा थोड़ा इसमें शाइनिंग पोर्शन जो है वो रहने दिया है। अभी हम इस पे मार्क करेंगे। जिस डिज़ाइन का हमें नेकलेसेस बनाने हैं वो डिज़ाइन हमें कट करना है। जैसे हमें सीढ़ी है, इसके अंदर हमें कुछ ऐसा चाहिए। ये देखिए, हमें कुछ ऐसा ट्रायंगल पोर्शन हमें चाहिए, तो ये मार्क करके हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए, ऐसा हम कट कर लेंगे, ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये देखिए, ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली जैसा भी हमें शेप का बनाना है नेकलेस, वो डिज़ाइन हमें ड्रॉ करके उसको कट कर लेना है। उसके बाद हमें क्रेयॉन्स को लेंगे। ये देखिए, क्रेयॉन्स को लेंगे और क्रेयॉन्स के ऊपर के छिलका निकाल दिया, ये क्रेयॉन्स के ऊपर जो रैपर होता है उसको निकाल देना है हमें, और फिर हमें नाइफ या कटर लेके उसको हमें ऐसे बारीक बारीक करेंगे। जैसे ये देखिए, ये मैंने अलग अलग कलर्स के क्रेयॉन्स का, ये देखो, ऐसे हल्का हल्का करते हुए हमें क्रेयॉन्स को छील लेना है, क्योंकि ये हमारे नेकलेसेस में यूज़ होंगे कलर्स, इसलिए क्रेयॉन्स जो है वो लिए हैं, वैक्स क्रेयॉन्स लेने हैं। ये देखिए, ऐसे हमें सब जो क्रेयॉन्स हमें इंटरेस्ट के हों, जो कलर हमने यूज़ करना हो वो कलर लेके उसको ऐसे ही हमें छील लेना है। नाउ अभी बताती हूँ मैं आपको क्या करना है।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सीडीज को अपने अकॉर्डिंगली शेप, जिस शेप में हमें चाहिए था वो शेप में हमने इसको काट लिया है। ये देखिए छोटा बड़ा हमने जो शेप हमें ज़रूरत थी हमने काट लिया है। इसको आप हमें बेक करना है और इसको कैसे अरेंज करना है मैं आपको बताती हूँ। देखिए सबसे पहले हम बड़ा रखेंगे पोर्शन, ये देखिए, और फिर उसके ऊपर हम वैक्स क्रेयॉन्स डालेंगे। ये देखिए जो हमने काट कर रखे थे ना क्रेयॉन्स, वो हम इसके ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अपने एक पीस रखा, उसके ऊपर हमने वैक्स के क्रेयॉन्स जो हैं छील के रखे, उसका हमने कलर स्प्रेड कर देना है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली हमें जो कॉम्बिनेशन हमें चाहिए है वो हम, ये देखिए इस पिंक के साथ ब्लू अच्छा लगता है, ये रख देंगे हम ऐसे ही। एक और बनाते हैं। ये स्प्रेड करने के बाद जो हमने कटिंग करके रखे हैं, ये है छोटा पीस, ये हम इसके ऊपर रख देंगे। ये बड़ा पीस है नीचे, इसके ऊपर हमने कलर स्प्रेड किया और इसके ऊपर हम छोटा पीस रख देने वाले हैं। ये देखिए इसके ऊपर ये रखा हमने छोटा पीस, ऐसे ही इसके ऊपर भी, ये इसका था और ये इसका। अभी यहाँ पे दूसरा कलर और आ सकता है, हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी हमें जो कॉम्बिनेशन चाहिए होगा वो हम ले सकते हैं। ये देखिए इसके ऊपर हम ये दूसरा पीस रखते हैं ऐसे ही। फ्रेंड्स ये जो है मैंने थोड़ी वेरिएशन दी है, ये मैंने इसके ऊपर से शाइनिंग वाला हटाया नहीं है, इसको ऐसे रखेंगे और इसके ऊपर मार्कर से मैंने डिज़ाइन बनाया है और ये डिज़ाइन वाला पोर्शन ऊपर रखेंगे इसके। ऐसे ही मैंने एक और पीस बनाया है मार्कर से, ये दोनों शाइनिंग वाले हैं, एक पोर्शन ये है और इसके ऊपर हमने दूसरा रखा है, ये है हमारा सेकेंड। मार्कर से बनाना बहुत इजी होता है, आप अपनी इमेजिनेशन से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जैसे एक पोर्शन है, इसके ऊपर हमने ये दूसरा पोर्शन रखा, इसके ऊपर हम मार्कर से मार्क कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें कलर वाला बनाना है तो हमें इस पे कलर डालना होगा, जैसे पैरेट ग्रीन कलर डालते हैं हम, इसके साथ फ्लोरोसेंट रेड डालते हैं, ब्लू डालते हैं, ग्रीन के साथ अच्छा लगेगा, और इसके ऊपर हम अपना दूसरा कटिंग जो है वो रख देंगे। देखिए फ्रेंड ऐसे अरेंज करने के बाद हमें क्या करना है, जंप रिंग लेने हैं, जंप रिंग, ये देखिए ये है जंप रिंग्स, ये जंप रिंग्स जो है वो इधर सेट कर देने हैं हमें, क्योंकि जब ये बेक होगा तो ये ऑटोमेटिकली अपने आप फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए इधर रख दिया, एक इधर रख देंगे, ये देखो ये वायर है, वायर से मैंने ये ऐसा बनाया है, घर पे भी आप ऐसे बना सकते हो, हुक्स वायर लेके उसको टर्न किया और उसके बाद इसको ऐसे टर्न कर दिया और ये हुक बन गया हमारा। ऐसा हुक भी बनाकर आप अरेंज कर सकते हो, आप
ये वो यहाँ पे रख देंगे एक और यहाँ पे दूसरा। ये देखिए फ्रेंड्स, ऐसे ही हम इस पे भी एक हुक इधर और एक इधर रख देंगे। इसके ऊपर दूसरा। ये देखिए हमारे पांच नेकलेसेस रेडी हो जाएंगे। और यहाँ पे मैं आपको करके बताऊंगी, यहाँ पे हम होल भी इजीली कर सकते हैं और होल के बाद हम उस पर बाद में जंप रिंग्स डाल सकते हैं। अभी फ्रेंड्स ये हमारा सेट हो गया। हमने प्री हीट कर लिए लेना है ओवन को 10 से 15 मिनट 180 डिग्री पर, और उसके बाद हम इसको 10-12 मिनट तक इसको बेक करेंगे। ये आपको बता दो, ये देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा नेक पीस रेडी है। यहाँ पे मैंने नेल पॉलिश से कुछ डॉट्स बनाए हैं और अंदर जो है वो वैक्स क्रेयॉन है, उसका इफ़ेक्ट देखिए कितना सुंदर आ रहा है। ऐसे ही हमारे सीडी से नेक पीसेस बनने वाले हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा नेकलेसेस जो है वो रेडी हो गए हैं। हमने प्री हीट कर लिया है ओवन को। अभी हम 10 से 12 मिनट तक इसको ओवन में बेक करेंगे। देखिए ये हमारे नेकलेसेस अंदर चले गए हैं बेक होने के लिए। अभी हम 10-12 मिनट तक इसको बेक करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सेडीज का जो नेकलेसेस बनाए हैं वो बेक हो गए हैं। इसको बेक करने में 5 से 7 मिनट ही लगे हैं। ये देखिए हमें इस स्टेज तक ही इसको बेक करना है। जब ये थोड़ा थोड़ा बबल्स फॉर्म हो जाए तो हमें बाहर निकाल लेना है इसको। अभी ये क्रेयॉन्स थोड़े गीले हैं, सूख जाने के बाद ये दोनों पोर्शन जो है आपस में स्टिक हो जाएंगे और हमारा नेकलेसेस का इफ़ेक्ट बहुत ही अच्छा आएगा। ये देखिए कितने आर्टिस्टिक हमारे नेकलेसेस बनकर तैयार हो गए हैं सीडी के। मैं आपको निकाल के बताती हूँ इसको, देखिए इसमें मैं आपको निकाल के बताती हूँ। ये देखिए कलर इफेक्ट देखिए इसका, कितना अच्छा कलर कॉम्बिनेशन देखिए, कितने प्रिटी आर्टिस्टिक बने हैं हमारे नेकलेसेस। अभी थोड़े गीले हैं, एकदम ड्राई हो जाने के बाद एकदम से एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए कलर्स देखिए, हाउ प्रिटी दे आर लुकिंग। ये देखिए, ये मैंने मार्कर से जो मार्क किया था और इसके नीचे मैंने ब्लू क्रेयॉन थोड़ा डाल दिया था, उसका इफेक्ट वाइट के साथ कितना अच्छा लग रहा है। ये देखिए वन मोर, और ये जो हमने शाइनिंग वाला बनाया था उसका इफेक्ट देखिए, बहुत अच्छे बने हैं हमारे। ये देखिए फ्रेंड्स, बहुत आर्टिस्टिक बन नेक पीसेस हमारे बने हैं। ये सीडीज से अपनी क्रिएटिविटी थोड़ा लगाकर हम कुछ भी अरेंज कर सकते हैं। क्रेयॉन्स से हम इसलिए डालते हैं क्रेयॉन्स, वैक्स क्रेयॉन्स, क्योंकि ये मेल्ट होकर अपना कलर छोड़ देते हैं और वो सीडी दोनों सीडीज को स्टिक कर देते हैं। जब वो ठंडा हो जाती है वैक्स हमारी तो वो स्टिक हो जाते हैं और कलर इफेक्ट बहुत सुंदर आता है। इसके साथ हम बीड्स लगाकर या
कैसे भी हम नेक पीसेस बना सकते हैं। मैं आपको अपने बनाए हुए कुछ नेक पीसेस भी दिखाना चाहती हूँ। यहाँ पे देखिए, ये जंप रिंग्स जो हैं वो हमारे दोनों सेट हो गए हैं। अगर आपने ऐसे जंप रिंग्स नहीं लगाने हो तो आप यहाँ पे होल कर सकते हो। मैं आपको बताती हूँ कि होल कैसे किया जाता है। आपको एक कैंडल लेनी है, कैंडल को जलाकर हम पिन लेंगे, एक लंबा, थोड़ा लंबा लेना है ताकि हमारा हाथ सेफ रहे। इसको गरम करके, ये देखिए मैं बताती हूँ आपको, जब अच्छे से थोड़ा गरम हो जाएगा तो हम सीधी में टच करेंगे तो अपने आप होल हो जाएगा। लेकिन अच्छे से गर्म होना चाहिए इसके टिप। ये देखिए फ्रेंड्स, कितना इजीली हमारा होल जो है हो रहा है। अब यहाँ पे हम जंप रिंग डालकर अपना नेकलेसेस बना सकते हैं। ये देखिए कितना इजीली हमारा होल हो गया है। ऐसे ही आप सब में होल करके अपने नेक पीसेस जो है वो बना कर रेडी कर सकते हो। मैं आपको अपने बनाए हुए कुछ क्रिएशन बताना चाहती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने सीडी से ही कुछ नेक पीसेस बनाए हुए हैं। ये देखिए, सेम क्रेयॉन्स के साथ स्टिक किया हुआ है और ऊपर ये छोटी छोटी पतली स्ट्रिप्स काट कर लगाई हैं सीडीज की, और नेल पॉलिश के साथ इसको थोड़ा डिजाइनिंग की हुई है। ये देखो, ये भी सेम सीडी का सेम टेक्निक है, और ये नेल पॉलिश के साथ इसको अरेंज किया गया है थोड़ा सेपरेटली। ये भी सीडीज का ही पोर्शन है, और ये बीड्स लगाकर, ये मेरे टी शर्ट यार्न है, टी शर्ट से कट करके आप थोड़ा स्ट्रेच करोगे तो ऐसा बन जाएगा, और उसके साथ भी आप इसको अरेंज कर सकते हो। ये देखिए, ये सीडीज को कट करके अरेंज किया गया है कार्डबोर्ड के ऊपर, छोटी छोटी सीडीज को मोज़ेक स्टाइल में कट किया गया है। इसका शेप थोड़ा दूसरा है और यहाँ पे बीड लगाए गए हैं। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं अपनी थोड़ी सी इमेजिनेशन के साथ। ये देखिए, सिंपल सीडी को हमने कितना अच्छा उसका यूज़ किया है। आप भी ज़रूर, आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो। आप अगर मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब बटन के साथ बेल आइकन है उसको ज़रूर दबाइए ताकि मेरे जब भी वीडियोस आएँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आपको कैसे लगे आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा ये प्रोजेक्ट कैसा रहा, कैसा लगा, और आपकी कमेंट्स पढ़कर मेरे को इंस्पिरेशन मिलेगी, आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक्स अगेन।